इंडियन आर्मी जिस पर पूरे देश को गर्व है और प्रत्येक देश को अपनी आर्मी पर गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि इन जाबाज सैनिकों की वजह से हमारा देश दुश्मनों से सुरक्षित है और हम अपने घरों में अमन और चैन की नींद ले पाते हैं। जब हमारे जीवन में अमन, शांति और तरक्की में आर्मी का अहम योगदान है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी आर्मी के बारे में जानें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको अवगत कराते हैं इंडियन आर्मी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बच्चे बच्चे को पता होने चाहिए। दोस्तों, इंडियन आर्मी का गठन साल 1776 कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुआ। वर्तमान समय में भारतीय सेना विश्व की टॉप 5 सबसे मजबूत सेनाओं में से चौथे स्थान पर है। हमारी इसी मजबूत सेना ने साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा पाक सेना द्वारा किया गया आत्मसमर्पण है। 5,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची व ठंडी युद्ध भूमि है। इस पर फिलहाल इंडियन आर्मी का कब्जा है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -50 डिग्री के नीचे चला जाता है। पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी ही है जिसने आज तक कभी भी दुश्मन राष्ट्रों पर पहले हमला करने की कोशिश नहीं की है, और इतिहास गवाह है, जिस दुश्मन ने हमारे देश पर गंदी नज़र डाली उसका समय समय पर हमारी इंडियन आर्मी ने मुँह तोड़ जवाब भी दिया है। जंगलों में लड़ने के मामले में भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। भारत की इस अद्भुत क्षमता को जानने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश अक्सर यहां पर दौरा करते रहते हैं। भारत ने 1970 और 1990 में परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण के बारे में दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA को भी पता नहीं चला, और यह CIA की अब तक की सबसे बड़ी असफलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लोंगेवाल की लड़ाई में भारतीय सेना के महज 120 बहादुर जवानों ने दुश्मन के 2,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध की सबसे रोचक बात यह थी कि इंडियन आर्मी के पास केवल एक जीप थी और इस जीप पर M40 राइफल लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दुश्मनी सेना टैंकों से लैस थी, फिर भी भारतीय सेना ने दुश्मनों को नाको चने चबा दिए थे। दोस्तों, अब जब भी आपको इंडियन आर्मी का कोई भी जवान दिखाई दे तो आप उसे खड़े होकर सल्यूट के माध्यम से अभिनंदन अवश्य करें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्या हमें भविष्य में इसका सेकंड पार्ट भी बनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, प्लीज़ उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।